सो गाइस यार, मुझे काफी समय से कमेंट आ रहे थे यार कि 6000 तक के बजट के अंदर कोई ऐसी लिस्ट बताइए जहां पर हम ऐसे स्मार्टफोन परचेस कर पाए अपने लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, जो कि दोस्तों यार पहली बार फीचर फोन से अपग्रेड करना चाहते हैं स्मार्टफोन पर, या फिर गाइस आप अगर अपने लिए कोई सेकेंडरी डिवाइस भी ढूंढ रहे दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ ऐसे फोन्स को यहाँ पर ऐड किया जहाँ पर गाइस रोजमर्रा के काम के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर गाइस आप यहाँ पर कॉल या मैसेज या फिर दोस्तों या व्हाट्सअप जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते गाइस, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे फोन्स देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही गाइस अगर आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे दोस्तों, तो वो फोन भी आपको यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली यार, तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ गाइस यार, हमें सपोर्ट करना ना भूलें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज हिंदी। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जियोनी से गाइस। और जियोनी मैक्स आपको मिल जाएगा 5500 रुपए की प्राइस पर। यहाँ पर आपको मिल जाती है 2GB रैम, 32GB की इंटरनल मेमोरी और इसे आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256GB तक। गाइस बात करूं यहाँ पर इस फोन की दोस्तों, यहाँ पर आपको ड्यूरेबल डिजाइन भी देखने को मिलने वाला है। गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 6.1 इंचेस की HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। तो गाइस यार इस प्राइस पर आपको काफी बढ़िया डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और गाइस बात करूं कैमरा की, तो बैक में यहाँ पर आपको डबल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे जहां पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें इमेज क्वालिटी गाइस, तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर भी आपको काफी बढ़िया इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। गाइस अगर बात करें बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यार 5000 एमएच की बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप भी काफी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको दिया गया है यूनिसॉक का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर जो कि गाइस 1.6 GHz पर क्लॉक किया गया है। तो गाइस यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। गाइस यहाँ पर आप नॉर्मल गेमिंग भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ज्यादा रैम और स्टोरेज चाहिए, साथ ही गाइस बड़ी डिस्प्ले चाहिए और अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए दोस्तों, तो आप इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। गाइस अगला फोन है यहाँ पर ऑनर की तरफ से, ऑनर 9S। दोस्तों ये फोन भी काफी बढ़िया है, लेकिन गाइस यार यहाँ पर आपको ये जो स्मार्टफोन है 6500 की प्राइस पर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको मिलेगी 2GB रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी। और गाइस यहाँ पर आप इसे एक्सपेंड कर पाएंगे 512GB तक। लेकिन दोस्तों अगर बात करूँ डिजाइन और लुक की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डिजाइन और लुक काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस बात करते हैं अब यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 5.5 इंच की HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। साथ ही गाइस बात करूँ कैमरा की, तो बैक में यहाँ पर आपको 8 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। दोस्तों बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको दी गई 3000 mAh की बैटरी जहाँ पर आपको 1 दिन का बैकअप बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है और साथ ही गाइस आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है, मीडियाटेक हीलियो P22 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा गाइस, जो कि 2 GHz पर क्लॉक किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज काफी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यार आपको गूगल की एप्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जैसे कि गाइस यूट्यूब, गूगल प्ले। लेकिन दोस्तों आप गूगल से जाकर के इन एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये फोन पसंद आया और आप इस फोन को परचेस करना चाहते गाइस, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, आप इस फोन को भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। गाइस अगला फोन है यहाँ पर आइडल की तरफ से, आइडल A48। गाइस ये इन्फिनिक्स का ही को ब्रांड है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे आइडल की तरफ से। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की गाइस, तो यहाँ पर आपको मिलेगी 2GB रैम, 32GB की इंटरनल मेमोरी। साथ ही गाइस ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा 6000 रुपए की प्राइस पर। और दोस्तों बात करेगा यहाँ पर इस फोन के डिजाइन की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डिजाइन भी काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6.1 इंचेस की HD+ वाली IPS डिस्प्ले। तो गाइस यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफी कमाल की दी गई है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर कैमरा की दोस्तों, तो बैक में यहाँ पर आपको डबल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर मेन कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और सेल्फी के लिए भी यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें इमेज क्वालिटी गाइस, तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी। गाइस बात करूँ बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दी गई 3000 mAh की बैटरी जहाँ पर आपको 1 दिन का बैकअप काफी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें प्रोसेसर की गाइस, तो यहाँ पर आपको देखने को 1.4 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर। दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस नॉर्मल ही देखने को मिलने वाली है। तो गाइस अगर आपको यार फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स चाहिए और इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों, तो आप इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस लिस्ट के सबसे आखिरी फोन की, और आखिरी फोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021। गाइस ये जो स्मार्टफोन है यार 6000 की प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन दोस्तों अब इसकी प्राइस जो बढ़कर हो गई 6500 रुपए। लेकिन दोस्तों इस प्राइस पर भी काफी अच्छा फोन है। गाइस बात करूं यहाँ पर इस फोन की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डिजाइन और लुक बहुत ज्यादा कमाल का देखने को मिलने वाला है। साथ ही गाइस यहाँ पर भी आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर इस फोन की गाइस, तो यहाँ पर मिलेगी 2GB रैम, 32GB की इंटरनल मेमोरी और जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 256GB तक। गाइस ये फोन भी आपको देखने को मिल जाएगा
6,500 रुपए की प्राइस पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की गाइस। तो यहाँ पर आपको मिलेगी 6.1 इंच की HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, साथ ही गाइस यहाँ पर आपको बैक में 8 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको दोनों ही तरफ LED फ्लैश का सपोर्ट दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप नाइट में भी काफी अच्छी इमेजेस क्लिक कर पाएंगे। और गाइस अगर बात करें इमेज क्वालिटी की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। गाइस बात करते हैं बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दी गई 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आसानी से मिल जाएगा। और अगर बात करूँ यहाँ पर प्रोसेसर की गाइस, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल वर्क और नॉर्मल गेमिंग के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, MediaTek Helio A20 का, जो कि गाइस काफी बढ़िया प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट। गाइस यार इस फोन में आपको सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है गाइस तो आप इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। गाइस अगर आप सैमसंग के फैन हैं और आपको सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेना है दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में, तो दोस्तों आप 6,800 रुपए की प्राइस पर सैमसंग M02 को चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर गाइस आपको मिल जाएगी 6.5 इंच की बहुत ही बड़ी HD प्लस वाली डिस्प्ले, बैक में आपको 13 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी और काफी बढ़िया प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा नॉर्मल वर्क और नॉर्मल गेमिंग के लिए। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो आप इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। गाइस अगर आपको इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर 4GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी, फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर, Qualcomm Snapdragon 430 का प्रोसेसर और गाइस बैक में 13 और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाए, तो दोस्तों आप यहाँ पर वाई यूरे का ब्लैक को चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। ये माइक्रोमैक्स का ही एक को ब्रांड था गाइस, थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है लेकिन दोस्तों अभी भी काफी बढ़िया है 6000 की प्राइस पर, तो अगर आप चाहें तो आप इस फोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। गाइस ये थी हमारी तरफ से कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट, जो कि आप परचेस कर सकते हैं 6000 रुपए के अंदर। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने यार, तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।